तो अभी ऊपर से उतर के हम यहाँ शिल्ला में पहुँच चुके हैं और हमारे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं जो ऊपर पहाड़ है यह भूमते। तो आज हम जा रहे हैं शहर की तरफ। आज हमने यहाँ से प्रस्थान किया है शहर की तरफ। तो ये देखिए आप, हम निकल चुके हैं घर से और अभी हम यहाँ से नीचे जाएंगे। साथ में है गोमू पीछे चलता हुआ। तो यहाँ से 20 मिनट लगेंगे नीचे तक, आधा घंटा अप्रॉक्सीमेट हाफ एन आवर। तो लेके चलते हैं आपको अपने साथ कुल्लू शहर की तरफ। तो ये लास्ट पार्ट है अपने व्लॉग का, लास्ट डे इन कुल्लू, कुल्लू के लिए। और धूप भी आई है लेकिन यहाँ नीचे तक धूप नहीं पहुँच पाती, इसे आप देख रहे हैं। ये देखिए गोमू पीछे आता हुआ, ठंड काफ़ी है। तो अभी हम निकल रहे हैं शिल्ला नाला गांव से नीचे। तो यहाँ पे रास्ते में है देव, निकले हैं तो आपको दिखाएंगे अपने व्लॉग में कैसा है यहाँ का कल्चर देवी देवताओं से कुल्लू में, देवभूमि हिमाचल। तो यहाँ पे देव निकला है, तो यहाँ नीचे इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पे देवता निकला है देव। तो आपको कुल्लू में अमूमन देखने को मिलेगा देवी देवताओं से भरपूर। और ये शिला नाल गांव है, हम नीचे को उतर रहे हैं बड़ई की तरफ। यहाँ से गोमू आके जाता हुआ। तो आपको इस ब्लॉग में, हमारे ब्लॉग में सब कुछ मिलेगा, यहाँ का लोकल ट्रेडिशनल कल्चर सब कैसा रहता है पहाड़ों में। तो यहाँ पे रोड खराब होने की वजह से जो रोड है अभी बंद है, तो कुछ कुछ जगह पैदल ही जाना पड़ता है। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे बढ़ई के लिए शिलनाला गांव के साथ से। तो यहाँ रास्ते पर जाते हुए हमें मिले हैं जापानी के बगीचे। तो ये देखिए आप, इनको पूरा ढक के रखा है ताकि सेफ रहें पंछियों से। और यहाँ पे फूल भी हैं और घर भी हैं और सामने खूबसूरत वादियाँ हैं कुल्लू की। चलो आगे से करेंगे हम आपको फिर से दोबारा अच्छी रिलोकेट करके। तो ये व्यू है बढ़ई का और सामने घूमतीर के लिए, और ये कटता है लग वैली। तो ये मेन बढ़ई और पूरे पहाड़ पर देख रहे हैं आप, कवर किए हुए हैं ये सब जापानीज हैं। तो मैं यहीं तक आपके साथ बने रहेंगे, आप आई होप आप इंजॉय करेंगे हमारे लोकल ब्लॉग्स कुल्लू के और हिमाचली कल्चर। तो आप ऐसे ही प्यार दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू फ्रेंड्स। आज बाय बाय।